आज व्यक्तिगत रूप से हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि स्मृति को जिंदा रखने के लिए वृक्षारोपण से अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। यह बात पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश कुंडल ने स्वर्गीय दयाशंकर यादव मंजू नाना की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाई दयाशंकर यादव मंजू नाना की स्मृति में उनके परिजनों भाई सुनील यादव एवं समस्त साथियों के द्वारा एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि इंसान तो प्रतिफल देने में देरी कर सकता है, लेकिन प्रकृति में जो पौधा लगाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है, वह हमेशा अपने काम ईमानदारी के साथ निभाता है। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम होलानी, जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। विद्यालय प्राचार्य मनीष यादव, SDM शोभा राम सोलंकी विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके साथ साथ उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार आयोजक सुनील यादव ने माना। हाथिका नगर में इस कन्याशाला के मैदान में भाई दयाशंकर यादव मंजू नाना की स्मृति में उनके परिजनों के द्वारा, भाई सुनील यादव झब्बू के द्वारा, समस्त साथियों के द्वारा एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज व्यक्तिगत रूप से हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि स्मृति को जिंदा रखने के लिए वृक्षारोपण से शायद कार्य को अच्छा हो नहीं सकता है। इंसान तो प्रतिफल देने में देरी कर सकता है, लेकिन प्रकृति में जो पौधा लगता है, पेड़ लगता है, वो हमेशा हमेशा अपने कर्म को ईमानदारी के साथ निभाता है। जो चाहे उसको ऑक्सीजन छोड़ना हो, चाहे परिवार को शुद्ध करना है। मैं समझता हूँ कि शायद आज के दौर में सभी लोगों को आज ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की, पुराने लोगों की स्मृतियों में एक एक पौधा भी लगाएं, तो शायद देश हरा भरा हो सकता है। और सबसे जरूरी आवश्यकता आज के समय में, जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो रही है, हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सब अपने अपने तरीके से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को अपने अपने क्षेत्रों में कामयाब करें। मंजू नाना की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार के द्वारा इस बालिका छात्रावास प्रांगण में विशाल वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि हम हमारे पूर्वजों के स्मरण में अगर प्रतिवर्ष इसी प्रकार के वृक्षारोपण करते रहे और उन्हें वास्तविक वृक्षारोपण को मूर्त रूप देते रहे, तो पुनः हम एक दिन इस धरती के श्रृंगार को वापस उसे लौटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। और साथ ही उनके वृक्षों के माध्यम से हमारे पूर्वजों की छाया हमें उसमें नजर आएगी और हमेशा इस धरती को उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।